हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पावर रेंजर डाइनो फ्यूरी के सीजन 2 के पार्ट 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम इसको ही डिस्कस करेंगे। साथ ही आप सब बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि सीजन 2 का पार्ट 2 हमें कब देखने को मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को भी यहाँ हम पिक जरूर करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार, ये ट्रेलर बहुत ही कमाल का है जिसमें हमें बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें दिखाई गई हैं और यार ये दिखने में बहुत ऑसम लग रहा है। ट्रेलर देखकर हमें साफ पता चलता है कि वॉइड क्वीन और वॉइड नाइट मिलकर कुछ धमाका जरूर करने वाले हैं, पावर रेंजर्स के ऊपर मुसीबत बनने वाले हैं। साथ ही हमें दिखाया गया है कि हमारी पूरी टीम शायद वो रेफकॉन गई है और वहां जाकर भी यार वो कुछ प्लान कर रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारा ऑल टाइम फेवरेट विलन लॉर्ड जी भी दिखने वाला है। अब जैसा कि हम जानते हैं, पिछले सीजन में उसने बोला था कि अगर उसके पास उसका स्टाफ होता तो वो सबको आसानी से हरा देता, और यहाँ पर यार उसके पास उसका स्टाफ भी है, तो यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग धमाल करने वाला है हमारा लॉर्ड सेड। इसके अलावा यार ये स्टोरी भी बहुत ही कमाल की लग रही है। वैसे अगर बात करूँ तो पिछले कुछ टाइम से जो पावर रेंजर्स का डाउनफॉल चल रहा था, लेकिन डाइनो फ्यूरी देखकर लग रहा है कि ये अब थोड़ा हमको राइज में देखने को मिलेगा। और यार अगर बताऊँ इसकी रिलीज डेट की, तो बताया गया है कि ये नेटफ्लिक्स पर सेप्टेम्बर 29 को रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब सितंबर से पहले भी यार ऐसे कुछ एपिसोड्स हो सकते हैं जो हमें देखने को मिल जाएं। जैसा कि हम जानते हैं, कई कंट्रीज़ में इसके पहले ही एपिसोड रिलीज़ कर दिए गए हैं, लेकिन हम सबको वेट करना पड़ेगा 29 तक, ताकि हम इन सारे एपिसोड्स का मज़ा ले सकें। इसके अलावा यार आपके क्या व्यूज़ हैं? आपको क्या लगता है कि जो हमारा लॉर्ड जेड है वो कितना पावरफुल हो जाएगा अपने स्टाफ के साथ? क्या वो हमारे रेंजर्स पर भारी पड़ेगा? इसके अलावा आपके क्या विचार हैं वॉइड क्वीन और वॉइड नाइट से? क्या वो दोनों भी यार कुछ कमाल दिखाएंगे? इसके अलावा यार हम जो चीज़ बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि हमें हर बार ग्रीन मॉर्फियन मास्टर ही देखने को मिल रहा है, तो ऐसा क्या है कि सिर्फ ग्रीन मॉर्फियन मास्टर ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है? पिछली बार भी अगर आपको याद हो तो हमें सिर्फ ग्रीन मॉर्फियन मास्टर देखने को मिला था। और इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या अमीलिया पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है सीजन 2 पर? अगर आपको ऐसा कुछ लगता है या आपके पास कोई थ्योरीज वगैरह हैं तो कमेंट कर जरूर बताना। और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा इसके बारे में भी हमें कमेंट कर बताना। साथ ही यार अब हम सबको वेट करना होगा सितंबर 29 तक का। लेकिन आप सब चिंता मत कीजिए, तब तक मैं आपके लिए पावर रेंजर्स से रिलेटेड कंटेंट लेकर आता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने व्यूज़ कमेंट कर दो।